चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और भूमि की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा आज पूरे भारत में एक साथ रिलीज किया गया है। फिल्म को लेके लोगों में जिस तरीके का उत्साह बना हुआ था वो देखने वाली बात। शायद इसी उत्साह का असर है कि यह फिल्म लगभग 3000 स्क्रीन के साथ पूरे भारत में रिलीज किया गया है। जिस तरीके के विषय पर यह फिल्म बनी है उसे देखते हुए यह स्क्रीन काफी अच्छी लगती है। जितनी स्क्रीन इस फिल्म को मिली है उसके मुताबिक अक्षय कुमार की इस फिल्म को काफ़ी अच्छी ओपनिंग मिली भी है। अगर हम फिल्म की फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो टॉयलेट एक फिल्म कथा ने करीब 25 करोड़ का कमाई करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े स्टार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती गई है, वहाँ इस फिल्म से इंडस्ट्री को काफ़ी सारी उम्मीदें लगी हुई है। इंडस्ट्री को लग रहा है कि खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार और भूमि की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक नया कारनामा कर सकती है, जिसकी उम्मीद पहले की फिल्मों से रही है। आपको बता दें कि फिल्म रिलीज से पहले ही फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें अक्षय कुमार के करीबी दोस्तों ने शिरकत की थी, जहां अक्षय कुमार के फिल्म की जमकर तारीफ भी करते हुए दिखे थे। हालांकि यूए में फिल्म कल ही रिलीज कर दिया गया, जहां पर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है।